कलाम एजुकेशनल एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हाजिर हूँ आज की बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर, जिसमें एक्सरसाइज 5F के यानी कि जो बीज गणित का चैप्टर है, जो कि आपके 9th और हाई स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको पिछली सत्र में मैंने जो सवाल आपको हल कराए थे उसके आगे के सवाल आज मैं लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूँ। जब मैंने यहाँ से ये क्वेश्चन करवाए थे, देखिए ये आले नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आई थिंक मैंने यहाँ तक करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी यहाँ पर है एक्सरसाइज 5F, उसका दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरे का छठा सवाल मैं लगवा रहा हूँ यहाँ पे, छठा हो गया था सॉरी आठवां सवाल लगवाता हूँ मैं। 48 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस सवाल को लगवाने से पहले हम उसको एक आदर्श रूप में लिखेंगे। द्विघात समीकरण का आदर्श रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आदर्श रूप मतलब पहले x की घात 2 वाला यानी एक्स स्क्वायर वाला पद, फिर x की घात 1 वाला पद, और फिर x की घात 0 या कह सकते हैं कि x की बिना x वाला पद। यहाँ पर x की घात 0 है और हमें याद मालूम होना चाहिए कि जब किसी पद की घात 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। यहाँ पर इसलिए x की घात 0 उसका मान 1 हो गया, तो पहला पद एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, फिर x वाला, फिर बिना x वाला। तो हम उसको उसी फॉर्म में लिखते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 48। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक है 1 और ये है 48, 48 की और इसके गुणांक 1 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 48। अब 48 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 2 आए, तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे ये जानते होंगे कि ऐसी 2 संख्याएं वो हैं 6 और 8, 6 8 48, और 8 और 6 को घटाएंगे तब 2 आ जाएगा। ऐसी संख्याओं के गुणनखंड लाएंगे ये, ताकि जिनकी गुणा उसके मूल संख्या के बराबर हो और उनका अंतर इसके बराबर हो या उनका योगफल इसके बराबर हो। क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या है तो किसी भी छोटी छोटी संख्या से गुणा करने पर गुणा कर देंगे, लेकिन जोड़ने पर 2 नहीं आएगा, घटाने पर ही आएगा। तो 8 और 6 को घटाएंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x, 8x में से 6x घटा देंगे 2x बचेगा, प्लस 48 माइनस एक्स स्क्वायर अभी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हम 2 पद बना लेंगे, 2 ये इनमें से एक कॉमन पद, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, ऐसा पद कॉमन जो दोनों में हो, x इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक, लेकिन एक बात और याद रहे, जब पहले पद में माइनस होता है तो माइनस भी कॉमन लिया जाता है और अंदर का जो दूसरे वाले पद का चिन्ह होता है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों ही पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर चिन्ह कॉमन लिया माइनस और एक्स, यहाँ से माइनस चला गया और एक्स चला गया, बचेगा केवल एक्स और चिन्ह माइनस का था प्लस का हो जाएगा। यहाँ से माइनस गया एक्स गया, चिन्ह अंदर का बदल जाएगा, हो जाएगा माइनस और एक्स कॉमन चला गया, बचेगा 8। यहाँ से कॉमन मिलेगा माइनस 6 इसमें भी है और ये 48, 6 8 48 होता है तो 6 के पहाड़े में यह आ जाता है। यहाँ पे कौन हो जाएगा माइनस 6x माइनस 8। अब इसके अगर आप गुणा करें तो यही आ जाएगा, 6x गुणा हो जाएगी 6x और 6 8 48। अब यहाँ पर एक पद ये है और एक पद ये है, इसमें इन दोनों पदों में ऐसी कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है? तो हमने देख लिया कि x माइनस 8 इसमें भी है और x माइनस 8 इसमें भी है, तो x माइनस 8 दोनों में कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 8 और एक्स माइनस 6, ये गुणनखंड हो गए। अच्छा, यहाँ पर नहीं लिखा, ये क्लास 8th की है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर ये 8वां और 9वां क्वेश्चन देखिए। नवा क्वेश्चन है आपका, ए
की पावर 4 माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 36। क्या करेंगे, ए की घात 4 माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 36। अब यहां पर ए की घात 4 के गुणांक में गुणांक 1 है, जिस पद के गुणा में कोई अंक ना दिखाई पड़े समझ जाइए उसका गुणांक 1 है। अब यहां पर अभी तक तो हम देख रहे थे द्विघात समीकरण था, घात 2 वाला समीकरण था, लेकिन यहां पर घात 4 आ गया, तो क्या करते हैं, यहां पर एक ऑप्शन होता है, हमने मान लिया, माना जो ए की घात 2 है उसको हमने मान लिया पी के बराबर, पी मान लिया, तो जहां पर ए की घात 2 है वहां पर पी रखेंगे, और जहां पर ए की घात 4 होगी वहां पर पी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर घात डबल होगी तो यहां पी डबल हो जाएगी, तो ये घात 4 आ जाएगा। तो हमको यही देखना है, सिर्फ ए स्क्वायर की जगह पर पी रखेंगे, यहां पर रखेंगे ए स्क्वायर की जगह पर पी रखेंगे तो ये पी की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर घात डबल है, स्क्वायर की और स्क्वायर है तो पी की घात 2 हो जाएगी, जैसे यहां पर बताया था ए की घात 4 बराबर पी स्क्वायर, ए की घात 2 था बराबर पी, अब ए की घात 2 है उसके ऊपर अगर हम 4 कर दें, 2 × 4 तो इसकी घात डबल हो गई, तो यहाँ पे पी की घात 1 है, और जब इसकी घात डबल हो जाएगी 4 तो इसकी डबल हो जाएगी 2, तो ए की घात 4 की जगह पर 2 पी स्क्वायर रखेंगे, और ए की घात 2 की जगह पर पी माइनस ए सॉरी 5 और पी प्लस 36। अब 36 की और इसके गुणांक की, सॉरी यहां माइनस था नहीं ठीक है, और यहां पर 36 इसका गुणांक है 1, 36 और 1 की गुणा करेंगे हो जाएगा 36 + 36, और 36 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 5 आए, तो 36 + 36 है, और हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी ऐसे गुणनखंड को लाएं जिनको जोड़ने पर 5 आए, तो जोड़ने पर तो वो 2 ही अंक है, जिनको 3 या 2 को जोड़ने पर 5 आता है, या 2 3 को जोड़ने पर 5 आएगा, या 4 1 को जोड़ने पर 5 आएगा, लेकिन ऐसी दो इन गिनतियों में से कोई ऐसी गिनती नहीं जिसकी गुणा करने पर 36 आए, इसलिए जोड़ने पर तो आ नहीं सकता, हम जानते हैं ये घटाने पर ही आएगा। अब ऐसे गुणनखंड लाएंगे जिसको घटाने पर 5 आए, हमने सपोज सेट ये मान लिया 4 × 36, और 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा पी की घात 2 माइनस 9 पी प्लस 4 पी प्लस 36। अब अगर कोई यहां पर ये कहे कि मैंने तो यहां पर 9p और 4p को जोड़ दिया, जोड़ा नहीं है इसको घटाया है, क्योंकि इन दोनों का अंतर हमको इसके बराबर लाना है 5p के बराबर। अब यहां पर चिन्ह का भी ध्यान रखना पड़ेगा, 9p और 4p दोनों का चिन्ह देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, जब ये दोनों अलग अलग चिन्ह है तो ये घटेंगे, और घटने के बाद जब बचेगा उसमें से चिन्ह वही लगेगा जो बड़ी संख्या का होगा, 9 और 4p जब आपस में घटेंगे तो बचेंगे 5, और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है 9, 9 का चिन्ह हो जाएगा माइनस, इसलिए माइनस 5p ठीक। अब यहां पर 4 पद हो गए, एक ही 2 पद ये हो गए, 2 ये हो गए, जब ये 2 पद हो गए 2 ये हो गए, अब हम इनको कॉमन लेंगे, पहले पद में कॉमन हमें दिख रहा है, पहले पद में कॉमन है यहां भी पी और यहां भी पी, तो पहले पद से कॉमन हमें मिल जाएगा पी, यहां पर 2p है तो 1 बच जाएगा माइनस, और ये वाला ए पी कॉमन चला गया बचेगा 9 प्लस, यहां पर हम देख रहे हैं हमको कॉमन मिल रहा है 4, यहां पर 36, तो यहां पर 4 में से 36 कॉमन मिल जाएगा 4p प्लस 36। सॉरी 4 कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4 × 36। हाँ जैसे कि यहां पर आप देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है बुक में, यहां पर माइनस है, मैंने अभी पूरी बुक को देख लिया तो यहां पर माइनस है, और यहां पर जब माइनस आएगा ठीक, और पी को हमने इसे ब्रेक कर लिया, पी स्क्वायर ये लिख लिया, 5p को लिख लिया पहले, 4p − 9p। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, माइनस 9p प्लस 4p माइनस 36, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, पी कॉमन मिलेगा, पी माइनस 9 ये मिल गया हमको, इसमें से दोनों में पी कॉमन है, पी दोनों में पी कॉमन ले लिया, यहाँ पी बचा माइनस ये वाले 9 बचे, यहां से 4 कॉमन मिल जाएगा 4,
और यहाँ बचेगा पी, क्योंकि 40 में भी है और 40 में भी मिल जाएगा, इसमें से मिल जाएगा 9। बस 4 की पी से गुणा करें तो 4 पी आएगा, और 4 की 9 से गुणा करें 36 आएगा। इन दोनों पदों में पी माइनस 9 कॉमन है, तो हो जाएगा पी माइनस 9, और ये बचेगा पी प्लस 4, पी प्लस 4 ये बचेगा। आगे का सवाल, पी की जगह पर हम पी की वैल्यू रखेंगे, पी को हमने ए स्क्वायर के बराबर माना था, तो पी की जगह पर रखेंगे ए स्क्वायर माइनस 9, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4। ये वाला तो पद ऐसे रहेगा, बस यहाँ पर हम एक बार फिर वर्ग अंतर खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस 4, और इसका आंसर नीचे नरेज करके हम आगे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए, चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए। कल इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो पहले पद की घात और दो और दूसरे पद की घात दो होता है, यानी कि इस तरह से लिखा हो, पहले पद की घात दो माइनस दूसरे पद की घात दो, तो ये हो जाएगा पहले पद और दूसरे पद को पहले जोड़ देंगे, फिर पहले पद और दूसरे पद को घटा देंगे। सेम हम यहाँ पर करेंगे, पहले पद की घात दो माइनस दूसरे पद की घात दो, तो पहले और दूसरे पद को पहले हम जोड़ देंगे, फिर पहले और दूसरे पद को हम घटा देंगे, और ये हो जाएगा देन ए स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जरा एक बार मैं कंफर्म कर लूं कि यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, ये वाला सूत्र आप लोग यहाँ पर नोट कर लें, पहले पद की घात दो माइनस दूसरे पद की घात दो, ये हो जाएगा पहले पहला पद और दूसरे पद का ये योगफल है, और गुणे में पहले और दूसरे पद का अंतर। ये सूत्र नोट कर लीजिएगा, ये वर्गांतर का सूत्र कहा जाता है। मैं एक बार कंफर्म कर लूं, ये दिख रहा है? ठीक ठीक ओके, दिख रहा है। अगला 10वां सवाल, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई स्क्वायर माइनस 26y प्लस 69। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले इसके पद का जो इस पहले पद का जो गुणांक है वो एक है, अब इस एक की और 69 की गुणा करेंगे, 69 एक कम हो जाएगा 69, और इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसको या तो जोड़ने पर 26 आए या घटाने पर 26 आए। ठीक, तो हम ऐसे गुणनखंड इसके लाएंगे, तो ये होता है 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 23 तिहा होता है 69, और अगर हम 23 और 3 को जोड़ दें तो हो जाएगा 26, हमको गुणनखंड यहीं पे मिल जाते हैं, तो ये हो जाएगा बराबर वाई की घात दो माइनस पहले 23 वाई लिखेंगे, फिर माइनस 3 वाई लिखेंगे, 23 और 3 को जोड़ने पर ही 26 आएगा प्लस 69। अब क्या करेंगे, ये पहला पद, ये दूसरा पद, पहला दूसरा पद, तीसरा चौथा पद, इनमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ पर सिर्फ वाई है, यहाँ भी वाई है, तो कॉमन मिल जाएगा वाई, यहाँ बचेगा वाई माइनस 23। यहाँ पर पहले पद में माइनस 3 है, वाई है, यहाँ वाई नहीं है, बस माइनस 3 में से ही कोई कोई चीज कॉमन मिल जाएगी, तो हम यहाँ देखते हैं क्या 3 इसमें से आउट हो सकता है, 69 से 3 से 69 अगर भाग हो जा रहा है तो ये 3 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ हम कॉमन लेंगे 3 माइनस के, यहाँ वाई बचेगा और अंदर का चिन्ह बदल जाएगा माइनस, ये बचेगा 23, क्योंकि 23 वाई की गुणा 3 वाई, सॉरी 3 वाई की गुणा 3 वाई, और 3 और 23 की गुणा 69। अब हम देखेंगे यहाँ पर पहला पद और ये दूसरा पद, पहले पद में हमें कॉमन मिल रहा है वाई माइनस 23, और दूसरे पद में भी वाई माइनस 23, जब दोनों पद एक जैसे होते हैं किसी भी व्यंजक के साथ तो वो हो जाते हैं कॉमन, तो ये वाला पद सेम है, ये हो जाएगा कॉमन वाई माइनस 23, एक ब्रैकेट में बचेगा क्या, यहाँ वाई बचेगा और दूसरे पद से हमें माइनस 3 मिलेगा, और यही हमारा सवाल हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर जो बचे हुए क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड में होंगे, आप इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे के सवाल है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5F का दूसरे का ये 12वां सवाल, 13वां, 14वां, 15वां, अभी ये थोड़ी सी जब जैसे पहले हुए उससे थोड़ा स्पीड में होंगे। अब आप देख लीजिए, y की घात 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 32। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही हमें द्विघात समीकरण ना देख करके उसके डबल घातों का दिखेगा तो हम मान लेंगे, माना वाई की घात 2 बराबर ए, और जो वाई की घात 2 ए माना है तो वाई की घात 4 हो जाएगा ए की घात 2। ठीक है, जहां वाई की घात 2 होगी वहां ए रखेंगे, जहां वाई की घात 4 होगी वहां
ए स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस चार वाई माइनस 32। अब यहाँ पर ए स्क्वायर का गुणनखंड एक ही है, 32 इक्कम 32, अब 32 कैसे गुणनखंड करेंगे, जिसको जोड़ने या घटाने पर चार आए, तो इसके 32 इक्कम 32 आ रहा है और ये होता है चार अट्ठे 32, ये 8 से 32 और 8 और 4 को घटाने पर चार आएगा, ए की घात 2 प्लस 4y माइनस 4y माइनस 32। अब हम इसमें दो पद ये बना लिए, दो ये बना लेंगे और उसमें कॉमन मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, वाई स्क्वायर की जगह पर हमें a रखना था, ये वाई स्क्वायर था, यहाँ पर a आएगा, यहाँ पर a आएगा और y की घात जहाँ 4 थी वहां a स्क्वायर आ गया, ये y की घात 4 जगह पे स्क्वायर आ गया। अब इसमें हमें कॉमन मिल रहा है a, ये यहाँ a कॉमन मिल जाएगा तो a बचेगा प्लस ये वाला 8 बचेगा, यहाँ से कॉमन मिलेगा माइनस, दोनों में माइनस है, फिर 4 यहाँ से भी कॉमन मिलेगा, यहाँ से भी माइनस 4, तो ये बचेगा a प्लस 8। अब a प्लस 8 इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन हो जाएगा a प्लस 8, यहाँ बचेगा a माइनस 4। अब हम a की वैल्यू रखेंगे, जहाँ a होगा वहां पर रखेंगे y की घात 2, यहाँ पे y की घात 2 प्लस 8 और यहाँ पर रखेंगे y की घात 2 माइनस 4, जैसे कि अभी 36 वाले में किया था सेम वैसे मान करके, और y स्क्वायर यहाँ पर 4 की घात 2 हो जाएगा, 4 लिखा है यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 2, y की घात 2 प्लस 8 ये y स्क्वायर और यहाँ पर 4 की बजाय हो जाएगा 2 की घात 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर वही वर्गांतर वाला फॉर्मूला लग जाए जो अभी लिखवाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8 और ये वाई प्लस 2 वाई माइनस 2, यह हो गया आंसर वाई प्लस 2 वाई माइनस 2। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2x की घात 3 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 28। अब हम यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि हमारे पास फिर x द्विघात समीकरण नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम द्विघात समीकरण बना लेंगे। हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, घात एक यहां पर ज्यादा है, यहां पर एक ज्यादा है, यहां पर भी ज्यादा है, तो क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तीनों में x है, x यहां पे कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2x की घात 2 प्लस 10, यहां पर एक घात x की घात 2 थी, एक तो कॉमन चला गया एक बचा, माइनस 28, यहां पर x एक ही था और कॉमन चला गया पता नहीं। अब हम यहां पर हमें अंदर द्विघात समीकरण मिल गया, इसी के हम गुणनखंड कर लेंगे और ये हमारा x हर बार साथ में रहेगा, यहां पर 2 है यहां पर 28, 28 दूना होता है 56, 28 दूना यहां पर हम लिख लेते हैं फिर हटा देंगे 56, 56 कैसे गुणनखंड करिए, या तो इनको जोड़ने पर 10 आए या घटाने पर 10 आए, तो इसके हम गुणनखंड कर लेंगे 4 से करेंगे, 4 इक्कम 4 और एक बचा 16, 4 चक्कू 16 यानी 14 चक्कू 56 और 14 में से 4 घटाएंगे 10 बचेगा, तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 14x माइनस 4x, 14 में से 4 चले जाएंगे 10 बचेंगे, माइनस 28। अब यहां पर x तो हमारे हर बार साथ रहेगा, हर स्टेप में, यहां पर कॉमन में मिलेगा x दोनों में है, 2 यहां है बट अंदर से छिपा हुआ है, 2 यहां भी है, 2 × 7 = 14, तो यहां पे हमें कॉमन मिलेगा 2x, 2x कॉमन ले लिया ये 2x और ये हम ब्रैकेट लगा दिया छोटा, यहां पर 2x कॉमन चला गया 1x बचा और यहां से 2 चला गया x चला गया प्लस 7 बचा, यहां से हमें कॉमन मिलेगा माइनस दोनों में है 4, 4 यहां भी है और यहां भी मिल जाएगा, x यहां कॉमन नहीं मिलेगा लेकिन यहां 4 मिल जाएगा क्योंकि 4 × 7 = 28, तो कॉमन जाएगा माइनस 4x प्लस 7, अब हम इसको मिटा देंगे। अब x प्लस 7 इसमें भी है और इसमें भी, ये कॉमन हो जाएगा, ये x रहेगा, ये x प्लस 7 पहले लिखेंगे, यहां से भी कॉमन यहां से भी कॉमन, ये दोनों यहां पे मिला के लिख दिए, बचा क्या 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 और ये ब्रैकेट, ठीक। अब यहां पर अभी हमें देखने कॉमन आंसर, हम अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो हम इसको आंसर लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इस बड़े ब्रैकेट को हटा देंगे, सारे पद आपस में गुणे में हैं, तो अगली स्टेप में हटाएंगे ये x, ये x प्लस 7 और ये 2x माइनस 4। अगर हम इसको यही आंसर मानना चाहें तो मान सकते हैं, कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन अगर हम इस पद से दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, देखो 2 यहां पर भी है और छिपा हुआ 2 यहां पर भी है, तो इन दोनों से कॉमन मिल जाएगा हमको ये वाला x
ये एक्स प्लस सात, और इसमें जैसे इसमें इस पद से जो हम कॉमन लेंगे दो, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस दो, और इससे जो लिया गया कॉमन वो यहाँ पर आ जाएगा। ये पूरा हमारा आंसर, दोनों आंसर हम लिख सकते हैं। ऊपर वाला अगर इतना लगा के छोड़ दिया तो भी हमारा सही है, और इतना लगाया तब भी सही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस दो बाई की घात तीन प्लस बाईस बाई की घात दो प्लस चौबीस बाई, यहाँ पर भी यही स्टेप है। बाई की घात तीन यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर भी एक बाई एक्स्ट्रा है, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर भी एक बाई एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा वाली बाई हम कॉमन ले लेंगे, और साथ में हम अगर देखेंगे कि हमको जितने ज्यादा से ज्यादा पद अगर कॉमन मिल सकता है हम वो कॉमन ले लेंगे। हमको यहाँ पे कॉमन मिल रहा है बाई सभी में, और देखिए जरा दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी छिपा हुआ, और दो यहाँ पर भी छिपा हुआ। दो की ग्यारह से गुणा करेंगे बाईस हो जाएगा, और दो की बारह से गुणा करेंगे चौबीस हो जाएगा। मतलब हमको यहाँ से माइनस दो बाई कॉमन मिल रहा है, क्या मिलेगा माइनस दो वाई। हमारे पास क्या बचेगा अंदर, माइनस दो चला गया, वाई चला गया, बचा वाई की घात दो प्लस, सॉरी जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, और ये वाई में से सॉरी बाईस में से जब दो कॉमन जाएगा बचेगा ग्यारह, और वाई एक गया है कॉमन में तो बचेगा एक वाई। माइनस चौबीस में से जब हम बारह दो कॉमन निकाल लिए तो बचेगा दो सॉरी बारह, और ये वाई भी कॉमन चला गया। अब अगर हम इसकी सेम, अब हम देखना चाहें कि हमारा कॉमन सही है या नहीं है, तो हम इसकी हर पद से गुणा करा दें। दो की इससे गुणा होगी तो दो आ जाएगा, और वाई की वाई स्क्वायर से गुणा होगी वाई की घात तीन। दो की ग्यारह से गुणा होगी तो बाईस आएगा, और इस वाई की वाई से गुणा वाई स्क्वायर। दो की बारह से गुणा होगी चौबीस आएगा, इस वाई की यहाँ कोई वाई नहीं तो खाली वाई आ जाएगा। सवाल हमने जो कॉमन लिया सही है। अब हमारा माइनस दो वाई हर बार हर स्टेप में साथ में रहेगा, और अंदर वाले पद की हम गुणनखंड कर लेंगे। ये बारह यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, बारह एकम बारह, और बारह के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको घटाने पर ग्यारह आ जाए। बारह एकम ग्यारह, बारह एकम बारह, बारह में से जब एक घटाएंगे तो आ जाएगा ग्यारह, तो ये हो जाएगा बारह स्क्वायर माइनस बारह वाई प्लस वाई माइनस बारह। ये दो स्टेप और ये दो स्टेप। अब हम कॉमन देखेंगे, माइनस दो वाई अंदर, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, दोनों में वाई है तो हमको कॉमन मिलेगा वाई। यहाँ पर बारह है या यहाँ पर कोई अंक ही नहीं तो हमको केवल कॉमन मिला है वाई। यहाँ बचेगा वाई, और यहाँ से वाई कॉमन चला गया बच्चा माइनस के बारह। यहाँ ना तो यहाँ वाई है ना यहाँ, तो वाई है यहाँ नहीं है, यहाँ पर अंक संख्या है पर यहाँ नहीं है, तो हमको कोई कॉमन नहीं मिलेगा। जब कहीं पर किसी पद में कोई चीज कॉमन ना हो तो आप समझ लीजिए आपको कॉमन एक लेना है, एक कॉमन मिलेगा प्लस एक, ये वाई माइनस बारह। अब अंदर दो पद हो गए, दो पद, अब दोनों पदों में देखिए वाई माइनस बारह कॉमन है तो वाई माइनस बारह कॉमन ले लेंगे, माइनस दो वाई और अंदर वाई माइनस बारह, एक ये कॉमन हो गया, वाई माइनस बारह कॉमन हो गया, बचा क्या वाई प्लस एक, वाई प्लस एक। और जब ये कॉमन हो गए कंप्लीट तो हम बड़ा वाला ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि अब सारे पद आपस में गुणा में आ गए, माइनस दो वाई वाई माइनस बारह वाई प्लस एक, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा बारह एक्स प्लस पंद्रह माइनस तीन एक्स स्क्वायर। अब हम इसको उसी फॉर्म में लाएंगे जैसा कि हमने बताया, पहले हम इसको लाएंगे ए एक्स स्क्वायर, यानी पहले पहला एक्स की घात दो वाला पद, उसके बाद एक्स वाला, फिर बिना एक्स वाला, यानी कि पहले ये लाएंगे माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स प्लस पंद्रह। अब हम क्या करेंगे, पहले पद की और तीसरे पद की गुणा करा देंगे, और गुणा कराने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो उनके फिर जो संख्या आएगी उसके गुणनखंड करेंगे। लेकिन हमारा पहला ध्येय ये रहता है, पहला स्टेप ये रहता है कि हम देखेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम शुरू में ही क्या कॉमन मिल सकता है। देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर x का दो है, यहाँ पर है बट यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर हमें तीन सब जगह दिख रहा है, यहाँ पर भी तीन है, यहाँ पर भी इंडिविजुअल रूप से छिपा हुआ तीन है, और यहाँ पर भी तीन है, तो हम तीन कॉमन ले लेंगे, बल्कि साथ में माइनस भी कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस तीन, और अंदर बचेगा एक्स की घात दो, और यहाँ से तीन चला गया तो बचेगा चार एक्स, और यहाँ से तीन चला गया बचेगा पांच। अब हम यहाँ पर इसके गुणनखंड कर लेंगे, ये पांच और ये एक, पांच एकम पांच, और पांच के ऐसे गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने पर या घटाने पर
चार आए तो पांच एकम पांच, और पांच में से एक घटाने पर चार आएगा, तो लिखेंगे माइनस तीन एक्स की घात दो माइनस पांच एक्स माइनस एक एक्स माइनस पांच, पांच एक्स सॉरी यहाँ पे प्लस एक्स आएगा। अब पांच एक्स में से ये वाला एक एक्स घटा देंगे, बचेगा माइनस का चार एक्स, और ये माइनस का पांच ही लिख लिया। अब ये दो स्टेप ये और दो पद ये, दो पद ये दो पद ये, दोनों में जो कॉमन होगा वो हम ले लेंगे। माइनस तीन यहां से कॉमन क्या है एक्स, यहां भी एक्स कॉमन, यहां बचेगा एक एक्स, यहां बचेगा माइनस का पांच, यहां कुछ भी कॉमन नहीं है। अभी हमने यहां पर बताया था जब हमारे पास कोई भी पद कॉमन ना हो लेने के लिए तो हम एक कॉमन ले लेंगे, प्लस एक, यहां एक्स बचेगा, यहां माइनस का पांच, एक्स माइनस पांच यहां पर भी दोनों पद में कॉमन, तो यह हो जाएगा माइनस तीन और एक्स माइनस पांच, एक्स माइनस पांच जब कॉमन ले तो बचेगा एक्स प्लस एक, एक्स प्लस एक, ये हो गया। अब हमारे पास जब सारे कॉमन हो जाते हैं तो यहां पर हमारे पास सारे स्टेप गुणे में है, तो गुणे में है तो ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस तीन अगले ब्रैकेट में एक्स माइनस पांच और एक्स प्लस एक, ये आंसर हो गया, हमारे गुणनखंड कंप्लीट हो गए। अब आप इनको सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, और कहीं पर भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो उसको तुरंत हमको कमेंट करके बताइए, और इसको अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी शेयर करिए, और इसमें कमेंट करिए कि आपको किस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, और उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। व्हाट्सएप नंबर मैं दे चुका हूँ, फिर भी दे रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8957085133, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस पर व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।